विधायक जी आप पहल कीजिए इस बात को, आप आइए निकल कर बाहर। रुद्रपुर शहर के लोगों के अंदर आशंका पैदा हो गई है, आशंका को दूर कीजिए। जिस पर रुद्रपुर क्लब बनाकर माफियाओं की निगाहें हैं, बर्बाद करना चाहते हो व्यापारी हमारे रुद्रपुर शहर के बाजार के व्यापारियों को। लेकिन हम तो सजग प्रहरी की तरह, एक चौकीदार की तरह इसकी निगरानी करेंगे। वही उधर की मिट्टी थी, वो इधर की मिट्टी है। जब वहाँ सैंपल फेल हो गया तो यहाँ कैसे पास हो जाएगा सैंपल? खबर पड़ताल पर मैंने एक अपनी आशंका जाहिर करी थी कि कोई ना कोई बाहर की एक कंपनी आएगी, वो नीचे बेसमेंट बनाएगी प्राधिकरण के नाम पर, और ऊपर बहुत बढ़िया कई मंजिला वो यहाँ पर शोरूम लोगों बना देगी। रुद्रपुर के राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। यहाँ पर पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, संजय जुनेजा समेत तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और आज ही राजकुमार ठुकराल के द्वारा पत्रकार वार्ता भी की गई है और इस मिट्टी की टेस्टिंग की जा रही है। आखिरकार क्या मामला है, ठुकराल साहब ये बताइए कि आज आप इस पूरे मामले को लेकर के पत्रकार वार्ता भी की है, मिट्टी भी आप चेक कर रहे हैं और टेस्टिंग के लिए मिट्टी का सैंपल भी गया है, क्या है पूरा मामला? देखिए आज तो विनम्रता पूर्वक आग्रह किया है कि एकमात्र रुद्रपुर का दिल है ही गांधी पार्क, इसको बचाओ। गांधी पार्क में पार्किंग का क्या औचित्य है? आप देखिए 60 साल 70 साल से जमीन निष्प्रयोज पड़ी है सामने सिंचाई विभाग की, आप वहाँ बनाइए ना पार्किंग, वहाँ बनाइए मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, वहाँ अच्छा पार्क बनाइए। सिब्बल सिनेमा के सामने इतना बड़ा भूखंड खाली पड़ा है जिस पर रुद्रपुर क्लब बनाकर माफियाओं की निगाहें हैं, उस जगह को बचाइए ना, वहाँ बनाइए पार्किंग स्पॉट, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है बाजार से, बनना क्या दिक्कत है? आप एक पार्क है उसका स्वरूप खत्म करना चाहते हैं कि किसको फायदा मिलने वाला है, स्वरूप को खत्म करके किसको फायदा होगा? देखो जो जिनकी निगाहें पैसों के ऊपर है, पहले यहाँ पर अंडरग्राउंड पार्किंग बनाएंगे, उसके बाद इसको मल्टी स्टोरी मल्टीपर्पज मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो हम तो ऐसे आदमी को स्वीकार नहीं करेंगे। आप यहाँ पर एक पार्क है जिसमें पूरे जनपद के पूरे जिला मुख्यालय के कार्यक्रम होते हैं, माननीय मुख्यमंत्री साल में कम से कम एक बार यहाँ पर आते हैं, अभी उनको पट्टे भी बांटे गए उनके द्वारा नजूल पर, ठीक है। और इसके अतिरिक्त खालसा ग्रुप का कार्यक्रम होता है गुरुद्वारा साहब का, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की कथा होती है, सरस मेला यहाँ पर होता है जिला प्रशासन का, राज्य स्थापना दिवस पर 9 नवंबर को कार्यक्रम यहीं पर होता है, वैसाखी मेला, लोहड़ी मेला, अग्रसेन जयंती, तमाम प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। ये तिरंगा झंडा मेरे द्वारा लगाया गया था 191 फुट का MLA फंड से, इस तिरंगे के नीचे स्कूली बच्चे आते हैं 26 जनवरी को 15 अगस्त को, गांधी पार्क नहीं होगा तो कैसे होगा? ठुकराल साहब अगर इसके अस्तित्व की, क्योंकि हमने भी पूर्व में मुहिम चलाई है, उस मुहिम का आप भी हिस्सा बने थे, लेकिन अब फिर से जब इसकी शुरुआत हुई, अगर मिट्टी जो टेस्टिंग के लिए गई है, अगर ये सफल प्रयोग अगर हो जाता है, माना जाता है कि हाँ यहाँ पर ये मिट्टी जो है उस पार्किंग को झेलने योग्य है और इसकी शुरुआत होती है, तो फिर क्या मूवमेंट रहेगा, किस तरह की जो है पहल रहेगी? बिल्कुल इसमें संघर्ष किया जाएगा, स्ट्रगल किया जाएगा यहाँ की जनता को लेकर। हाँ अगर जनता कहती है भाई मत करो, ये मत रहे पार्क, खत्म हो जाए पार्क, तो हमें क्या दिक्कत है? लेकिन हम तो सजग प्रहरी की तरह, एक चौकीदार की तरह इसकी निगरानी करेंगे और गांधी पार्क से छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। अगर जनता चाहे, रुद्रपुर शहर चाहे, गांधी पार्क का अस्तित्व मिट जाए, तो हमारे पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा। संजय भाई बीते दिनों जब यहाँ से फ्लाईओवर निकलना था, फ्लाईओवर को लेकर के भी इसी तरह की सैंपलिंग की गई थी महज थोड़ी सी दूरी पर, जिसके बाद फिलहाल रिंग रोड यहाँ पर निकाला गया और अब फिर से सैंपलिंग की जा रही है, कितना सफल मान रहे हैं आप? देखिए 2016 के अंदर यहाँ पर हाईवे में एक सैंपलिंग हुई थी मिट्टी की, 2016 में, आज कितने 7-8 साल ही तो मैं, वही उधर की मिट्टी थी, वो इधर की मिट्टी है। जब वहाँ सैंपल फेल हो गया तो यहाँ कैसे पास हो जाएगा सैंपल? मेरा बहुत बड़ा सवाल है अपने प्राधिकरण के लोगों से कि अब यहाँ क्या करना चाहते हो। वहाँ आपने एक फ्लाईओवर जब निकाल रहे थे तब आपने उस समय सैंपल फेल कर दिया कि फ्लाईओवर नहीं निकल सकता, आपने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया, फिर आपने चौड़ीकरण का प्रोजेक्ट बनाया, हमारे व्यापारी को उजाड़ दिया आपने, आज आप कहते हो कि ये सैंपल पास हो, कैसे सैंपल पास हो जाएगा? ये बात मैंने प्राधिकरण के अधिकारियों से परसों तरसों 2-3 दिन पहले कही थी, मैंने उनसे कहा था कि आपका वहाँ पर 72 फुट की दूरी पर तो गांधी पार्क की दीवार है और लगभग 40-50 फुट ये, तो 100 फुट की दूरी पर ये सैंपल कैसे पास हो सकता है? इसका मतलब ये, मैं पहले भी राजीव भाई मैंने आपके चैनल पर खबर पड़ताल पर मैंने एक अपनी आशंका जाहिर करी थी, आज फिर आशंका जाहिर कर रहा हूँ कि कोई ना कोई बाहर की एक कंपनी आएगी, वो नीचे बेसमेंट बनाएगी प्राधिकरण के नाम पर और ऊपर बहुत बढ़िया कई मंजिला वो यहाँ पर शोरूम लोगों बना देगी। क्या बर्बाद करना चाहते हो व्यापारी हमारे रुद्रपुर शहर के बाजार के व्यापारियों को? अरे लोग नीचे पार्किंग करेंगे, ऊपर सामान दुकान खरीदेंगे और वहीं से बाहर बाहर निकल जाएंगे, तो हमारे व्यापारी जिन्होंने आज इनके दादा पुरखे यहाँ पर, जिन्होंने अपना खून यहाँ बहा दिया, जिन्होंने अपना सब कुछ यहाँ कर दिया, जिनके दादा पुरखे यहाँ बाजार के अंदर दुकानों पर बैठकर व्यवसाय करते थे, हम कौमी एकता हम लोग यहाँ करते थे, आज यहाँ ख़त्म कर देंगे बाजार को? क्या बाजार को ख़त्म किसी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बाजार के व्यापारियों के अंदर एक आशंका है, आशंका को दूर करनी पड़ेगी, समाप्त करना पड़ेगा। हर व्यापारी कहता है कि हमें बताओ कि यहाँ क्या हो रहा है, हर व्यापारी चाहता है बताओ, इसका जवाब हमारे प्रशासन लोगों को देना पड़ेगा। मैं तो चाहता हूँ, मैं माननीय विधायक जी से भी कहना चाहता हूँ, विधायक जी आपने भी कहा था
कि वहाँ जो सामने जो जो भूमि पड़ी है रोड सिंचाई विभाग की वहाँ पर पार्किंग बनेगी। विधायक जी आप पहल कीजिए इस बात को, आप आइए निकल कर बाहर, रुद्रपुर शहर के लोगों के अंदर आशंका पैदा हो गई है, आशंका को दूर कीजिए। ऐसा ना हो कि ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप ले लें, ऐसा ना हो इस आंदोलन में सारे लोग भागीदारी कर, क्योंकि आंदोलन किसी एक आंदोलन नहीं होगा, ये आंदोलन अगर होगा गांधी पार्क को बचाने होगा तो ये पूरे शहर के नेतृत्व में आंदोलन होगा इसके अंदर, और इस आंदोलन में सबको भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। मैं विशाल से कहूँगा ये तस्वीरें दिखाएं, ये वो जगह है जहाँ पर फिलहाल जो है टेस्टिंग के लिए यहाँ पर जो है एक दिन का पूरा अभियान यहाँ पर चलाया गया, यहाँ से मिट्टी के सैंपल लिए गए, और वो सैंपल अगर वो पास हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्राधिकरण के द्वारा जो है जो गांधी पार्क में मल्टी स्टोरी जो पार्किंग बननी है उसकी यहाँ पर शुरुआत की जाएगी। पूरा गांधी पार्क में एक बार कहूँगा विशाल सहयोगी से दिखाएं, ये पूरा वो गांधी पार्क है जहाँ पर तमाम लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। पूर्व में भी खबर पड़ताल के द्वारा इसको लेकर के एक मुहिम चलाई गई थी जिसमें खुद बीजेपी के लोगों ने ये माना था कि गांधी पार्क के अस्तित्व को नहीं मिटने देंगे, कितना भी बड़ा आंदोलन या प्रदर्शन करना पड़े वो आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो ये टेस्टिंग हुई है इस मिट्टी की, इसके बाद लोगों में अब डर सता रहा है, और संजय जुनेजा जी ने जिस तरह से साफ स्पष्ट कर दिया है कि व्यापारियों को बर्बाद करने की साजिश है, तो कितनी साजिश है, क्या है, किस तरह की इसकी में रणनीति आएगी, राजकुमार ठुकराल फिलहाल ऐलान कर चुके हैं कि गांधी पार्क के अस्तित्व को अगर कोई भी हाथ अगर आएगा मिटाने के लिए तो वो उनसे दो दो हाथ करेंगे। फिलहाल देखना होगा कि कब तक इस सैंपल की पुष्टि हो पाती है, कि क्या ये सैंपल पास हुआ, फेल हुआ, किस तरह की अपडेट्स निकल करके आती है, वो अपडेट्स भी लेकर के हाजिर होंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रही है खबर पड़ताल के साथ। फिलहाल नमस्कार।